Hello students, now today we start our lesson number 9 from a railway carriage. This one is a poem written by Robert Louis Stevenson. Now here there are some questions asked to you like do you like traveling in a train? Kya aapko train mein safar karna pasand hai? Pasand karte ho aap? Second, how do the objects look like from a running train? चलती हुई ट्रेन से जब हम चीज़ें देखते हैं तो वो हमें कैसी दिखती हैं, इसके बारे में मैं डिस्क्राइब करना है. सो इन दिस पोयम दिस इज़ ऑल अबाउट रेलवे कैरिज. आपने कभी ट्रेन देखी होगी तो उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर रॉबर्ट लुइस स्टीवेंस ने शेयर किया हमारे साथ. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई रीड दिस पोयम फॉर यू, सो लिसन इट केयरफुली. फास्टर देन फेयरीज, फास्टर देन विचेस, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows the horses and cattle, all of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill and there is a river, each a glimpse and gone forever. So students, here this poem, you read it like that with the rhyming of that poem. First you here see the meaning of witches. The meaning of witches is a woman who is believed to have magic powers, especially to do evil things. Witches means जो एक ऐसी औरत जो magic powers करती है और वो ऐसा believe करती है कि जो चीज़ बुरी होती है उसमें हम देखते हैं witches करती हैं वो सारी चीज़ें. Here hedges means a row of bushes or small trees. छोटे छोटे पेड़ों और जो झाड़ियों की एक row होती है, कतार होती है, उसे hedges बोला जाता है. Ditches, a long channel dug at the side of a field or road to hold or take away water. आपने देखा होगा हिंदी में हम उसे मेड़ बोलते हैं, पानी को रोकने के लिए एक साइड में फील्ड में एक रोड जैसी बनाई जाती है. ट्रूप्स होता है सोल्जर्स, स्पेशली इन अ लार्ज ग्रुप. जो चीज़ें बड़े ग्रुप्स में होती हैं उसे हम ट्रूप्स बोलते हैं. क्लाइंबर मीन्स टू क्लाइंब और मूव विथ डिफिकल्टी, किसी मतलब डिफिकल्टी से कहीं पर ऊपर चढ़ना. स्क्रैम्बल मीन्स टू मूव क्विकली, जल्दी से चढ़ जाना, स्पेशली विथ डिफिकल्टी, कठिनाई होती है उसके बाद भी. यूजिंग योर हैंड्स टू हेल्प यू, अपनी हाथों की मदद से. ब्रैम्बल मीन्स अ प्रिकली वाइल्ड बुश, एक ऐसी झाड़ी जिसमें कांटे होते हैं. ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन विथ नो होम और जॉब हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो ट्रैम मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं है और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है लोगों से फूड और मनी के लिए स्ट्रीट में पूछता हुआ. गेज मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत देर तक देखना, लंबे समय तक. डेजी एक स्मॉल वाइल्ड फ्लावर होता है जिसमें वाइट कलर के पेटल्स होते हैं और येलो येलो सेंटर में होता है. लंप मीन्स होता है एक पीस ऑफ समथिंग हार्ड और सॉलिड, कोई किसी भी एक टुकड़ा जो बहुत कड़ा होता है. ग्लिम्स मतलब होता है लुक एट समबडी, मतलब छोटी समय पर छोटे टाइम के लिए किसी पर नज़र दौड़ाना, जिसे नज़र दौड़ाना हम बोलते हैं. नाउ इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस अबाउट व्हेन वी ट्रैवल इन द ट्रेन, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो किस तरह का नज़ारा होता है. तो टुडे I explain you this poem like faster than fairies, परियों से भी तेज, faster than witches, और जो चुड़ैले होती हैं, जो जादू टोना करने वाली औरतें होती हैं उनसे भी तेज,
ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेडजेस एंड डिचेस, तो ब्रिज, हाउस, हेज और डिचेस को क्रॉस करते हुए, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, जैसे लड़ाई पर, युद्ध पे जाते हुए सेनाएं होती हैं उस तरह से चार्ज होती हैं, ऑल थ्रू द मीडोज एंड हॉर्सेज एंड कैटल्स। मीडोज क्या होती हैं, जो छोटी झाड़ियाँ होती हैं, एक खेत होता है जहाँ पर घास होती है, जहाँ पर घोड़े और कैटल्स चरते रहते हैं घास को, तो वहाँ से गुजरते हुए, ऑल ऑफ द साइट ऑफ द हिल एंड द प्लेन, पहाड़ियों पर और जो समतल मैदान है उस पर नज़र दौड़ाते हुए, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, जैसा बहता हुआ पानी होता है उससे भी तेजी से चलती हुई, एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, विंक ऑफ एन आई मतलब होता है पलक झपकना, तो जितनी तेजी से हम पलक झपकते हैं उतनी तेजी से पेंटेड स्टेशन विसल बाय, तो स्टेशन पर विसल करती हुई ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। हेयर इज अ चाइल्ड हु क्लाइंबर्स एंड स्क्रैम्बल, यहाँ पर एक बच्चा है जो ट्रेन पर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, तो खुद से भी, और जैसे कि प्रिकली बुश होती है उसमें कांटे लग जाते हैं और हम वो कर अपने आप को उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही। हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेज, तो यहाँ पर एक ऐसा आदमी जो खड़ा होता है मांगने के लिए उस पर घूरते हुए उसको, एंड देयर इज अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग एंड डेजीज, तो ग्रीन यहाँ पर सिग्नल के लिए बोल रहा है, सिग्नल पे डेजीज के जैसे फ्लावर्स होते हैं उनको हवा करते हुए निकल जाते हैं। हियर इज अ कार्ट रन अवे इन द रोड, सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं, कार्ट्स चल रही हैं, लंपिंग अलॉन्ग विथ मैन एंड लोड, इंसानों को और उनके सामान को अपने ऊपर रखे हुए, एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर, कहीं पर हमें मिल दिखाई देती है, कहीं पर नदी दिखाई देती है, ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर, तो ट्रेन पर बैठे हुए बस हमारी एक नज़र सब पर पड़ती है और उसके बाद वो सारी चीज़ गायब हो जाती है। तो ट्रेन पर चलने पर सारी चीज़ें इतनी फास्ट होती हैं, फास्टर होती हैं कि हम उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं कि दोबारा से उस चीज़ को देख लें, लेकिन वो सारी चीज़ एक नज़र पे ही हमें दिखाई देती है और चली जाती है। सो स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज़ टू रीड दिस लेसन एंड ट्राई रीड दिस पोयम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न द ग्लॉसरी।